कर दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप का 19वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस 19वें लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटेड गार्ड, एस गार्ड, चाउ चाउ, रिज गार्ड और स्पंज गार्ड। ये जो कुछ क्रॉप्स बची थी कुकुरबिट्स की, वो आज ख़त्म हो जाएगी। 3 से 4 लेक्चर में मैंने कुकुरबिट्स की जितनी कद्दू और जितनी भी फसलें थी उसको मैंने कवर कर दी है। आज ये लास्ट वाला लेक्चर है कुकुरबिट्स का। इसके बाद फिर हम आगे और जो फ्रूट क्रॉप वाली वेजिटेबल्स स्टार्ट होती हैं उनको फिर पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पॉइंटेड गार्ड क्या होता है। पॉइंटेड गार्ड को देखो, हम बोलते हैं हिंदी में परवल। पॉइंटेड गार्ड को क्या बोला जाता है? पॉइंटेड गार्ड को परवल बोला जाता है। पॉइंटेड गार्ड और परवल में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि पॉइंटेड गार्ड किसको कहते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुकुरबिट्स की क्रॉप जितनी होती हैं उसमें सब में गार्ड ज़्यादातर लगा होता है। ज़्यादातर जो कुकुरबिट्स की क्रॉप होती है उसमें गार्ड ज़्यादा लगा होता है, तो इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको मैं याद करने की ट्रिक बताता रहा हूँ। पिछली जो क्रॉप्स मैंने पढ़ाई थी उसको भी मैंने बताया था कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कौन सी गार्ड कौन सी होती है। इस तरीके से अगर हम इसकी बात करें पॉइंटेड गार्ड को, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, कभी आप परवल को, अगर परवल की सब्जी खाए होंगे तो आपने देखा होगा कि परवल का जो सीड होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, एक गोल गोल सा, बिल्कुल गोल सा सीड होता है। ठीक, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पॉइंट जैसा होता है, और इसी वजह से इसका जो परवल का सीड होता है वो पॉइंट जैसा होता है, इसीलिए इसको पॉइंटेड गार्ड कहते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ट्राइकोसैंथेस डिवाइका, मतलब कि ट्राइकोसैंथेस डिवाइका पॉइंटेड गार्ड का बोटेनिकल नेम होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो कुकुरबिटेसी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि कुकुरबिट्स की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सब किस में आती हैं, वो सब कुकुरबिटेसी कुल में आती हैं। उसके बाद इसका जो ओरिजिन प्लेस है उसको इंडिया माना जाता है। अब जो पॉइंटेड गार्ड होता है इसका जो प्रोपोगेशन किया जाता है, इसका प्रोपोगेशन वाइन्स के द्वारा होता है, यानी कि जो उसमें तने निकले होते हैं, वाइन्स जो होती हैं, लताएँ जो होती हैं पॉइंटेड गार्ड की, उन्हीं लताओं से पॉइंटेड गार्ड का प्रोपोगेशन होता है। तो पॉइंटेड गार्ड को 1 हेक्टेयर में प्रोपोगेट करने के लिए, 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए हमको 2000 से 2500 कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। 2000 से 2500 अगर कटिंग हमारे पास है वाइन्स की कटिंग, पॉइंटेड गार्ड के वाइन्स की कटिंग, तो हम 1 हेक्टेयर में आराम से इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। फ्रूट आर पार्टिकुलरली रिकमेंडेड ड्यूरिंग कन्वलेशंस, मतलब कि जब कोई आदमी की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत खराब होने के बाद जब वो रिकवर कर रहा होता है, रिकवरी के बाद उसका जो हेल्थ होता है वो काफ़ी ख़राब हो चुका होता है, तो रिकवरी के समय अगर हम उसको परवल की सब्ज़ी बराबर खिलाएंगे तो जिससे उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। रिगेंस हेल्थ आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पॉइंटेड गार्ड की सब्ज़ी यानी कि परवल की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें से कुछ वेराइटीज़ हैं इसकी, उसमें से है बिहार शरीफ, कल्याणी, दामोदर, छोटा हिली। क्या क्या है? बिहार शरीफ, कल्याणी, दामोदर, छोटा हिली, ये सब वेराइटीज़ जो हैं वो पॉइंटेड गार्ड की अच्छी वेराइटीज़ मानी जाती हैं। उसके बाद है 10% मेल प्लांट इज नेसेसरी टू गेट हायर यील्ड। अगर हमको पॉइंटेड गार्ड की अच्छी यील्ड चाहिए अपने खेत में, तो खेत में कम से कम 10% मेल प्लांट होने चाहिए। 90% फीमेल प्लांट होगा जिससे हमको परवल मिलेगा, और पॉलिनेशन, प्रॉपर पॉलिनेशन होने के लिए 10% कम से कम मेल प्लांट होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरी क्रॉप है जिसको बोलते हैं एस गार्ड। एस का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, एस का मतलब होता है राख। तो ये एक ऐसा कद्दू होता है, मतलब एक ऐसा कद्दू वर्गीय फसल है जिसके ऊपर लगता है कि किसी ने राख डाल दी हो। जब आप कभी ध्यान से देखेंगे इसको तो लगता है जैसे इस पे किसी ने सफ़ेद सफ़ेद राख डाल दिया हो। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि क्या है ये एस गार्ड, मतलब किसी ने इसके ऊपर राख डाल दी है, जो लकड़ी की जली हुई राख बचती है उसको किसी ने डाल दिया हो, तो इस तरीके का इसका ऊपर का जो इस कलर होता है इसी तरीके से इसे इसमें चिपका रहता है, वो वैक्स होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एस गार्ड। एस मतलब राख, राख जैसा ही इसके ऊपर चिपका रहता है वैक्स, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वैक्स गार्ड। इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हो। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो बेनेंसिया हिस्पिडा होता है। क्या होता है? बेनेंसाका हिस्पिडा। क्या होता है? बेनेंसाका हिस्पिडा इसका बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी भी कुकुरबिटेसी होती है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो जापान माना जाता है।
फ्रूट एट मैच्योरिटी हैव वाइट वैक्सी सरफेस, जब फ्रूट मैच्योरिटी के समय में होता है तो इसका जो सरफेस होता है वो वैक्सी सरफेस का हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर वैक्स की एक सफ़ेद सफ़ेद सी परत जम जाती है जिसको वैक्सी सरफेस बोलते हैं। ये एसगार्ड में पाया जाता है। इसकी अगर हम वैरायटी की बात करें तो इसमें जो पूसा उज्ज्वल है काफ़ी अच्छी वैरायटीज मानी जाती है। इसके साथ साथ इस फ्रूट को, ये जो सब्जी होती है इसको हम चाइनीज प्रिजर्विंग मेलन भी बोलते हैं, इसको चाइनीज प्रिजर्विंग मेलन भी कहा जाता है। जितने भी कुकुरबिट्स की क्रॉप होती हैं, जितने भी अभी मैंने पढ़ाई या जो अभी बची भी हैं, इनमें सब में जितने भी कुकुरबिट्स क्रॉप है उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज लाइफ होती है वो किसकी होती है, एसगार्ड की होती है। उसके बाद फिर पंपकिन की जब मैंने पढ़ाया था तो पंपकिन का बताया था कि पंपकिन की भी स्टोरेज लाइफ ज़्यादा होती है, लेकिन पंपकिन और एसगार्ड में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, एसगार्ड की सबसे ज़्यादा स्टोरेज लाइफ होती है। यानी कि इसको अगर हम तोड़ के रख दें तो प्रॉपर रूम टेम्परेचर में, और अगर ड्राई क्लाइमेट है यानी कि उसको अगर मॉइस्चर से दूर रखा जाए तो आराम से इसको रख सकते हैं लंबे समय तक बचा के। फिर चाऊ चाऊ होता है, इसका नाम होता है बोटेनिकल जो नेम है चाऊ चाऊ का, इसका जो चाऊ चाऊ का बोटेनिकल नेम है वो है सिकेनियम एड्यूल। क्या होता है, सिकेनियम एड्यूल। ये किस फैमिली का है, ये है कुकुरबिटेसी फैमिली का। इसका जो ओरिजिन है वो है मेक्सिको। ये सिंगल सीडेड फ्रूट क्रॉप है कुकुरबिट्स में। अभी जितना मैंने पढ़ाया कुकुरबिट्स की क्रॉप, उसमें जितने भी क्रॉप थी सबके अंदर मल्टी सीडेड था, यानी कि एक ही फ्रूट में ढेर सारे सीड होते हैं, चाहे एसगार्ड हो, चाहे पंपकिन हो, चाहे लॉन्ग गार्ड हो, या स्पंज गार्ड हो, बिटर गार्ड हो, कोई भी कद्दू वर्गीय जो फसल मैंने पढ़ाई है उसमें सब में ढेर सारे सीड होते हैं, एक ही फ्रूट में ढेर सारे सीड होते हैं। लेकिन चाऊ चाऊ में ऐसा नहीं होता, इसमें एक फ्रूट में एक ही सीड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है इसमें, इस फ्रूट के अंदर एक ही सीड होता है। इसके बाद मोस्ट न्यूट्रियस एमंग कुकुरबिट्स जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू किसकी होती है, चाऊ चाऊ की होती है। इसका जो नेचर होता है, ग्रोइंग नेचर, ये हर्बेसियस नेचर का होता है, यानी कि ये साग टाइप की फसल होती है, पेरेनियल होता है। बाकी और जो मैंने पढ़ाया वो सब एनुअल होते हैं, लेकिन ये चाऊ चाऊ जो होता है ये पेरेनियल होता है। मोनोसियस भी होता है यानी कि एक बीजपत्री होता है, और क्लाइंबिंग वाइन होता है, मतलब इसकी जो लताएं होती हैं वो ऊपर को चढ़ती जाती हैं। अगर उनको सहारा मिलता जाएगा, किसी पौधे का सहारा मिल जाए, किसी दीवार का या झोपड़ी का या किसी और बंबू का सहारा मिल जाए, तो ये ऊपर को ही चढ़ती चली जाती हैं, तो इसलिए क्लाइंबिंग वाइन टाइप का ये होता है। इसका जो कॉमन नेम है वो काइटो है, कोको है और अस्खास है। हाई कैल्शियम कंटेंट, इसके अंदर जो कैल्शियम होता है चाऊ चाऊ के अंदर, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो फ्रूट के द्वारा होता है। चाऊ चाऊ का जो प्रोपोगेशन होता है वो किससे होता है, फ्रूट से ही इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। इसमें वीवी पैरी पाई जाती है। वीवी पैरी मतलब होता है भूम्योपरीक अंकुरण। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं, ये मैंगो का मैंने फ्रूट लगा रखा है, इससे आप जान सकते हैं। अभी ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि ये मैंगो जो है ये अभी अपने मदर प्लांट से अलग नहीं हुआ, मतलब ये मदर प्लांट से टूटा नहीं है, लेकिन इसमें जो इसका सीड था, इसके सीड से एक नया प्लांट निकल गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंगो है ये अभी मदर प्लांट से टूटा नहीं है, मतलब टूट के ज़मीन पे नहीं गिरा है, लेकिन इसके अंदर का जो सीड होता है उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई है और वो ग्रो कर गया है एक नए प्लांट के रूप में। इसी को बोलते हैं वीवी पैरी। तो वीवी पैरी चाऊ चाऊ में भी पाई जाती है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है फ्रूट के थ्रू होता है। इसका जो फ्रूट होता है इसको ही जमीन में स्विंग कर देते हैं और वहाँ से एक नया प्लांट निकल जाता है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है ट्यूबर रूट्स की वजह से, ट्यूबर रूट से भी होता है। इसका जो ट्यूबरस रूट होता है, चाऊ चाऊ का जो रूट होता है ट्यूबरस रूट होती है, उसके रूट से भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं, और बाकी जो मैंने वीवी पैरी यानी फ्रूट के मेथड से बताया इससे भी कर सकते हैं। तो इसका प्रोपोगेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो होता है बाई फ्रूट जिसमें वीवी पैरी पाया जाता है, और जो दूसरा टाइप है उसमें ट्यूबरस रूट से भी इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। उसके बाद है रिज गार्ड। आपने एक शब्द सुना होगा, रिज एंड फैरो मेथड ऑफ इरीगेशन। रिज और फैरो मेथड में इरीगेशन जब हम करते हैं तो वैसे नाली विधि उसको बोलते हैं, इस तरीके से नाली होती है। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैरो, और ये ऊपर वाला जो चोटी वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिज। जब हम आप कभी शुगर केन की जो बुआई होती है वो भी रिज और फैरो मेथड में होती है। अगर आप खरीफ सीजन में मक्के की बुआई कर रहे हैं तो उस समय भी रिज और फैरो मेथड यूज होता है। आलू में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, रिज मेथड से सिंचाई होती है उसमें। तो ये रिज और
फैरो मेथड तो मैंने थोड़ा सा समझाया। अब अगर आपको रिज और फैरो समझ में आया होगा, रिज मतलब ये नीचे वाला जो पार्ट होता है, जो गहरा वाला पार्ट होता है, और जो फैरो होता है ये ऊपर वाला पार्ट होता है। जब मिट्टी को से नाली विधि से बना के सिंचाई करते हैं तो ऊपर वाले पार्ट को रिज बोलते हैं। अब रिज गार्ड को कैसे याद कर सकते हो? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिज गार्ड का ये फ्रूट होता है, इसको ध्यान से देखो तो ये देखो बीच बीच में ये रिज बने हैं, और उसके बीच बीच में, रिज के बीच बीच में ये देखो बीच में गड्ढा भी है। ये देखो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि रिज बना है और बीच बीच में ऐसे गड्ढे भी बने हैं। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें रिज होती है, तो इसको कैसे याद कर सकते हो? रिज गार्ड से कह के याद कर सकते हो, समझ गए। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ल्यूफा एक्टेंगुला। इसकी जो फैमिली होती है वो कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओरिजिन प्लेस इसका एशिया होता है। इसका जो कॉमर्शली ट्रेनिंग मेथड होता है, इसकी जो ट्रेनिंग करते हैं, इसकी वाइंस की जो ट्रेनिंग करते हैं रिज गार्ड की, इसकी ट्रेनिंग निफिन सिस्टम से करते हैं। निफिन सिस्टम मैंने जब ग्रेप्स की क्रॉप पढ़ाई थी तो ग्रेप्स की क्रॉप में भी बताया था कि निफिन सिस्टम ग्रेप्स में यूज होता है। वो किस तरीके से यूज होता है बात समझो, कि जैसे मान लो कि एक सीड मैंने यहाँ पर ग्रो कर दिया ज़मीन पर, ठीक। अब ऊपर हम थोड़ी दूर पर क्या करेंगे कि एक तार लगा देंगे, ठीक। उसके बाद फिर एक तार और लगा देंगे, तार या रस्सी कुछ भी लगा सकते हो, एक सपोर्ट जिससे कि आराम से ये उस पर हम इस लताओं इन लताओं को लपेट सकें, जिससे आराम से ये फैल सकें फिर बाद में। तो निफिन सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले नीचे से कुछ हाइट पर एक प्लांट एक 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 रस्सी लगा देते हैं, फिर उसके थोड़ी ऊपर एक रस्सी और लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि नीचे से जो निकलता है तो ऊपर से मतलब दो टहनियाँ जो निकलती हैं अलग से, दो टहनी निकलेगी उनको नीचे वाले ब्रांच पर डाल देंगे, उसके ऊपर जब जाएंगे तब यहाँ से जो टहनियाँ निकलेंगे उसको हम ऊपर वाले तार पर डाल देंगे। तो इस तरीके के जो मेथड होता है ट्रेनिंग का मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं? निफिन सिस्टम। ध्यान से देखिए, ये प्लांट है, प्लांट से यहाँ से लताएं निकली हैं तो ये दोनों इस तार पर चली गई, और यहाँ से जो निकली वो इस तार पर चली गई। इस टाइप के मेथड को हम क्या बोलते हैं? निफिन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें जो यूज होता है, इसका जो स्पंज होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, बात समझना, जब ये रिज गार्ड का जो फ्रूट होता है जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद जब ये तोड़ा जाता है तो इसका सीड तो निकल जाता है बाद में, फिर से सोइंग करने के लिए सीड को निकाल लेते हैं। लेकिन सीड के ऊपर जो ये ऊपर का वूडी जो अभी हरा हरा दिख रहा है, ये बाद में वूडी नेचर का हो जाता है। फिर इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, ये हार्ड हो जाता है ऊपर वाला पार्ट, इसको तोड़ के निकाल देते हैं। फिर इसके अंदर एक स्पंज मिलता है, ऐसे लगता है जैसे कि ये स्पंज है। उस स्पंज को पहले ज़माने में क्या होता था कि आप लोग अगर कभी अपनी दादी से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि हाँ उस समय में इसको बाथिंग स्पंज के रूप में यूज किया जाता था। जैसे अब नहाने के लिए प्लास्टिक का स्पंज आता है, लोग यूज करते हैं बाथिंग स्पंज, उस तरह उस समय में ये स्पंज यूज होता था, फुल्ली ऑर्गेनिक स्पंज होता था, इसको नहाने के लिए यूज करते थे। इससे शरीर को रगड़ते थे जिससे जो मैल है वो आसानी से छूट जाए। इसके बाद इसकी जो वैरायटीज है उसमें पूसा नसदार है, जैसे कि इसमें ढेर सारी नसें होती हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो, फिगर को अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखो ढेर सारी नस बनी है। इस तरीके से याद कर सकते हो कि पूसा नसदार किसकी वैरायटी है? पूसा नसदार रिज गार्ड की वैरायटी है। इसके बाद इसको सतपतिया भी बोलते हैं, गाँव में सतपतिया के नाम से ये बड़ी फेमस वैरायटी है, जो कि एक हर्माफ्रोडाइट वैरायटी होती है। एक वैरायटी इसकी और है जिसको हम बोलते हैं सुरेखा। उसके बाद जो आपकी अगली क्रॉप है वो है स्पंज गार्ड की। स्पंज गार्ड इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि अभी इसमें जो मैंने लगाया है ये काफ़ी लॉन्ग टाइप का है, एक थोड़ा राउंड टाइप का होता है, वो थोड़ा और मोटा मोटा होता है। ये लॉन्ग टाइप का हमने यहाँ जो फिगर लगाया है वो लॉन्ग टाइप का है। एक होता है कैसा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। जब ये सूख जाता है तो इससे भी वैसा ही स्पंज निकलता है जैसे रिज गार्ड से निकलता था, लेकिन इसका जो स्पंज होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको बर्तन बर्तन मांजने में, बर्तन बर्तन को साफ करने में काफ़ी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें से स्पंज निकलता है तो ये क्या है? स्पंज गार्ड है। अब बात समझो, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ल्यूफा सिलेंड्रिका, ठीक। ल्यूफा सिलेंड्रिका इसका बोटेनिकल नेम होता है। इसकी जो फैमिली है वो कुकुरबिटेसी है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो एशिया है। स्पंज गार्ड कंटेंट हाई प्रोटीन एंड कैरोटीन देन रिज गार्ड। जो रिज गार्ड होता है, रिज गार्ड में प्रोटीन और कैरोटीन कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो स्पंज गार्ड होता है, स्पंज गार्ड में प्रोटीन ज़्यादा होती है और कैरोटीन भी ज़्यादा होती है। बोथ ल्यूफा स्पेसीज कंटेंट ए जिलेटिनियस कंपाउंड कॉल्ड ल्यूफिन। बात समझो कि जब चाहे रिज गार्ड की सब्जी काटो
और चाहे स्पंज गार्ड की सब्जी काटो। जब सब्जी काटेंगे तो आप देखेंगे कि हाथ में एक ऐसे चिपचिपा सा पदार्थ हाथ में लग जाता है जो बहुत फिसलता है, उसी को बोलते हैं ल्यूफिन, जो चाकू होता है जिसे आप काट रहे हैं। अगर चाकू पे आप हाथ फेरेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ऐसा चिपचिपा सा लग गया है जो बहुत फिसल रहा है, उसी को हम बोलते हैं ल्यूफिन कंपाउंड। इसके अंदर पाया जाता है वो जिलेटिन टाइप का होता है, जिलेटिनियस कंपाउंड होता है। इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो टेंडर स्टेज पर होती है, यानी कि जब इसमें फाइबरस कंटेंट, जब इसका फाइबर जो हार्ड होने लगता है, हार्ड होने से पहले ही इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि अगर इसका फाइबर ज़्यादा हार्ड हो गया तो ये फिर खाने लायक नहीं होता है, फिर इसकी सब्जी अच्छे से नहीं बनती है, फिर ये इसकी मार्केट डिमांड भी इसी वजह से कम हो जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी वेरायटी जो होती है, वेरायटी होती है पूसा चिकनी, बात समझना। पूसा नसदार किसकी वेरायटी है? रिज गार्ड की, क्योंकि उसके अंदर वो नस पाई जाती है, और इसमें नस वस नहीं पाई जाती, बिल्कुल चिकनी होती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पूसा चिकनी है। फिर पूसा सुप्रिया भी एक अच्छी वेरायटी होती है। फिर हरिता एक F1 क्रॉस की हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड वेरायटी है। इसमें जो एंथेसिस होता है, एंथेसिस इसमें जो होता है रिज गार्ड में, सॉरी स्पंज गार्ड में, एंथेसिस यानी कि जो फूल निकलने का टाइम होता है, यह सुबह के 4 बजे से 8 बजे के बीच में इसमें फूल निकलते हैं, और उसके बाद तब इसमें पॉलिनेशन होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, जब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।